बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ कि आप लोग तमाम जो है वो खैर आफियत के साथ रहें, सेहत आफियत के साथ रहें। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और आज जो है वो आपको जैसे कि याद है पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा और चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करा हुआ है और उसके अंदर हम आपको मुख्तलिफ डायग्राम्स और ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने हिस्टोग्राम बनाना सीखा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा, फिर उसके बाद आपने इन दोनों को सेम ग्राफ पेपर में बनाना सीखा। आज एक नई डायग्राम के साथ जो है वो आपके सामने जो है मैं हाजिर हूँ और एक नई डायग्राम आपको बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, सिंपल बार डायग्राम, जिसका नाम है सिंपल बार डायग्राम। तो बहुत आसान डायग्राम है और पास पेपर्स के अंदर ये डायग्राम भी जो है वो पूछी जा चुकी है, तो बहुत आसान भी है और जो है वो इंशाल्लाह ताला कोई मसला भी नहीं होगा बनाने की। चले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ सिंपल बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। कंस्ट्रक्ट अ सिंपल बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा, और ये डाटा आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे एयर दिए हुए और प्राइस दिए हुए। अच्छा देखिए, सिंपल बार डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो है ना दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो यही है कि कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे साल एयर दिया हुआ, उसके साथ प्राइस दी हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट इन्होंने सपोज कर लें, आप मिसाल के तौर पर ये आटे के रेट है, ठीक है, आटे के रेट है, आटे के रेट के यानी कि बताया गया है कि भाई 1999 के अंदर 1999 के अंदर आटा जो है वो 3 रुपये किलो था फॉर एग्जाम्पल, और 2000 के अंदर वो आटा 7 रुपये किलो हो गया, 2001 में वो आटा जो है वो 10 रुपये किलो हो गया, और 2002 के अंदर 5 रुपये का हो गया, और 2003 के अंदर वो 2 रुपये का हो गया। ये कोई भी डाटा हो सकता है, किसी भी चीज़ किसी भी प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है। अब इसको हमने ये इसी इंफॉर्मेशन को हमने सिंपल बार डायग्राम यानी कि डायग्राम के अंदर शो करके दिखाने के ये किस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। तो देखें, आपने जैसे 9 मैट्रिक के अंदर और 8 के अंदर आपने ये बात पढ़ी होगी कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इनके अंदर जो डेटा लिखने का तरीका होता है वो एक उसका रूल होता है कि हम एक्स एक्सिस के अंदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल को लिख रहे होते हैं और वाई एक्सिस के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लिख रहे होते हैं। यानी कि जो डिपेंडेंट होता है वो हम वाई पे लिख रहे होते हैं और इनडिपेंडेंट जो होता है वो हम एक्स पे लिख रहे होते हैं। इनडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है आज़ाद, यानी कि वो दूसरे का मोहताज ही नहीं होता, और डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो दूसरे का मोहताज होता है। तो अब हम यहाँ पर ज़रा एक दफ़ा इसको एनालाइज करते हैं कि भाई इसके अंदर इनडिपेंडेंट कौन सा है ताकि हम उसको एक्स एक्सिस पे लिख सकें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एयर जो है वो प्राइसिस की मोहताज नहीं है, यानी कि एयर प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, प्राइस जो है वो एयर के ऊपर डिपेंडेंट है कि एयर चेंज हो रहा है तो प्राइस भी चेंज हो रही है, और एयर का चेंज होना ये प्राइस के ऊपर जो है वो इसका दारोमदार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एयर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइसेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसको यही करेंगे कि यहाँ पर हम एयर उतारेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एयर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस, इधर आ जाएंगे हमारे पास प्राइस। अच्छा, लिखने का वही तरीका होगा, प्राइसेस को हम पहले वाई एक्सिस पर रिकॉर्ड कर देते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है, और प्राइसेस देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, तो मुझे मैक्सिमम प्राइस जो नज़र आ रही है वो 10 नज़र आ रही है, तो उसी तरह मैंने डाटा 10 तक पुट करना है। अब वो गैप जो है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 2 का गैप भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं। 1 का लेंगे यहाँ पर तो साफ सुथरी और बड़ी अच्छी डायग्राम बनेगी, तो मैंने यहाँ पर 1 का ही मैं गैप लेता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यह मैक्सिमम प्राइस जो है वो इसके अंदर आ गई। तो हम इसका मतलब ये कि हम इस डायग्राम को बना लेंगे। अब हम एयर्स के ऊपर चलते हैं, तो अब एयर की तरफ जाने के लिए जो है ना पहले हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पहला एयर मेरे पास मौजूद है 1999 और उस पर प्राइस है 3 की। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा स्केल और ये जो पहला पॉइंट मैंने बनाया है इस पहले पॉइंट को मैं 3 तक लेके जाऊंगा, और उसके बाद वाला जो पॉइंट है उसको भी मैं 3 तक लेकर जाऊंगा और मैं इसको आपस में मिला दूंगा। इस तरह ये पहला हो गया, ठीक है। अगला साल है 2000 का और उसमें प्राइस है 7। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाऊंगा और नेक्स्ट पॉइंट को मैं 7 तक लेके जाऊंगा, ये रहा 7। उसके बाद वाले पॉइंट को भी मैं 7 तक लेकर गया और फिर उसको मैंने मिला दिया।
देखें इसके अंदर भी, इसको बार क्यों कहते हैं, बार बार का मतलब यही होता है ना, चॉकलेट बार भी जैसे होती है तो वो लंबी सी चॉकलेट होती है, आपने देखा होगा, तो ये भी चूंकि बार की तरह बन रहा है, सही है, इस तरह इसको, इस वजह से इसको बार कहते हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम में और इसके अंदर आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि हिस्टोग्राम के तमाम बार्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पर गैप आएगा, हर बार के बीच में एक एक सेंटीमीटर का आप गैप रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं, 2001 में प्राइस है 10, तो मैं 10 तक लेके जाता हूँ डाटा को अपने। उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट डेटा हमारे पास जो है वो 5 का है, तो हम 5 तक लेकर जाएंगे अपने बार को। और फिर उसके बाद हमारे पास 2 का है, 2 तक लेकर जाएंगे। ये हमारे पास सारे बार बन गए। अब इसके नीचे बस आपने एयर मेंशन करने, तो ये एयर था 1999 का, ये एयर है 2000 का, ये एयर है 2001, 2002 एंड 2003। इस तरह हमारा ये सिंपल बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। बस ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर और कुछ भी काम नहीं करना, बस ये आपके सामने सॉल्व हो गई, ठीक है। कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने आपको जो है वो ये बनाकर दिखा दिया। आप अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला और अच्छी और खूबसूरत बनाएंगे आप पेंसिल और स्केल से। HW की तरफ हम बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल वही सिंपल बार डायग्राम बनानी है इसके अंदर भी। और ये आपका क्रिकेट का डाटा दिया हुआ है आपको, सही है, ओवर्स दिए हुए आपको और रन दिए हुए, यानी कि पहले ओवर के अंदर 10 रन बने, दूसरे ओवर के अंदर 7 रन बने, तीसरे ओवर के अंदर 3 रन बने, चौथे ओवर के अंदर 6 रन, पांचवें ओवर के अंदर 15 रन बने और छठे ओवर के अंदर 12 रन बने। तो ये आपको ओवर्स दिए हुए और जो है वो रन दिए हुए, इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सबसे पहले ढूंढें, सही है। तो देखिए रन्स डिपेंड करते हैं ओवर्स के ऊपर, ओवर कराए जाएंगे तो रन्स बनेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि रन्स जो है वो डिपेंडेंट है, इसको हम रखेंगे वाई एक्सिस पे, और ओवर जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसको हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और इस तरह जो है वो हमारा ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप डायग्राम बना लेंगे इस डाटा की, और इंशाल्लाह ताला जो है वो कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम नई डायग्राम बनाना सीखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।